जी, तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ने पिछले पार्ट में अपनी कहानी को छोड़ा था, वहीं से शुरू करते हैं अपनी कहानी को। लगभग हम भद्राज पहुंच ही गए थे। से हमने फिर से अपना सफर को स्टार्ट किया। हाँ जी, तो फाइनली निकल रहे हैं हम यहाँ से। थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे आराम किया, उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा रास्ता रह गया है, बाकी मौसम थोड़ा बहुत खराब है, बाकी कोई बात नहीं। ये देखो, यहाँ से दुकानें वगैरह दिखनी शुरू होगी, बट यहाँ से 5 मिनट का रास्ता और है और फाइनली मेले में। 5 मिनट्स लेटर। हाँ जी, तो फाइनली पहुंच गए मेले में, बट बहुत ज्यादा क्राउड है यहाँ पे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा नॉइस आएगी इसलिए। हाँ जी, तो मेले में पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला टारगेट यही था, मेरे पास पानी खत्म हो गया था, तो सबसे पहले हमें पानी ढूंढना था। बाकी सब चीज तो छोड़ो, बट ये देखो ये क्या हो गया भैया, खून निकल रहा है यार इसमें से, पता नहीं क्या हो गया यार ये। एक आंटी ने मुझे बोला हाथ पे कुछ लगा है, तो पता नहीं क्या लगा होगा, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत देखने लगा, बट उन्होंने बोला नहीं तुम्हारे हाथ पे कुछ लगा है, ढंग से देखो। तो मैंने देखा, मैं ना बहुत ज्यादा डर गया था कि क्या हो गया है, ऐसा लगा जैसे मेरे चोट लग गई हो या कट गया हो, बट मुझे पता नहीं लगा, डॉक्टर वगैरह भी नहीं मिलेगा जल्दी से। मैं अगर मैं अकेला बंदा होता तो सच में मुझे बहुत ज्यादा टेंशन, मेरे जोंक लग गई थी और मुझे पता भी नहीं था, हाथ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, महसूस भी नहीं हुआ और मेरे चोट लग गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ जी, तो अब जा रहे हम फाइनली मंदिर की साइड, तो चलते हैं फिलहाल। ये देखो ये पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट हुई, बाकी मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, तो चलते हैं। पिछली दीवार आए थे तब ऐसा कुछ था नहीं, तो अभी ऐसा कुछ हो गया है कि हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा मेन गेट। हाँ जी, तो फाइनली अब हम एंटर करने वाले। ये देखो जस्ट हम अभी आए थे और भाई साहब कितनी भीड़ होगी एकदम से ही भाई, खत्म। तो भाई लोग फाइनली हमारे दर्शन होने वाले, तो दर्शन करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे, बहुत भीड़ है यार सीधे। हाँ जी, तो फाइनली हमसे दर्शन करके आ गए थे, हमें घूमने नहीं गए, हमने सोचा मेले तो लास्ट में जाएंगे, चलेंगे सबसे पहले खाना खाएंगे। तो जी ऊपर से आ गए हम, नीचे बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहाँ पूजा वगैरह सब कर ली, फिलहाल चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा ना प्लान बना है कि वहाँ टॉप पे जाके खाएंगे खाना, वहाँ से व्यू भी तगड़ा है। तो ये भाई लोग हम लोग आ गए ऊपर और यहाँ से पूरा का पूरा मेला चेक करा है, वहाँ चल रहा है प्रोग्राम। जी, तो फाइनली अब खरे हम खाना तो घर से लाए थे, फिलहाल हमारा एक दोस्त भी हमारे साथ। खाना पीना फिनिश किया, हम गए मेले में, थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमा। हाँ जी, तो फाइनली अब जा रहे हम नीचे, बट नीचे उतरते हुए डर लग रहा है, उतरते हुए डर लग रहा है, इतना तो चढ़ते हुए नहीं लगा भाई। तो यार ये लगा हुआ है सारा का सारा मेला, फिलहाल हम वहाँ ऊपर थे और ये है मेला, बहुत मस्त सा मेला है काफ़ी, अब थोड़ी चीड़ सी होगी यहाँ पे। तो थोड़ा देर हम वहाँ पे घूमे, प्लान बना कि अब चलते हैं घर की, टाइम काफ़ी हो गया था, हम निकल गए घर के लिए। यार फाइनली अब घर जा रहे हैं, और सचिन भाई एक्सपीरियंस बताओ अपना। भाई बहुत अच्छा, दिल को सुकून मिल गया यार मंदिर जाके। सही में हम आए थे साइड से कुट्टी से और जा रहे हैं हम बड़वा के रास्ता से, ज्यादा हालत खराब हो रही, अब देखते हैं सीधा नीचे उतरते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। 2000 years later. यार फाइनली हम आगे नीचे, यहाँ तक मतलब गाड़ी वगैरह आ जाती है, तो फिलहाल यहाँ से हमें कोई लेने आएगा, सचिन भाई भी यहीं पे ही है। भाई सामने भीम का पत्थर, ऐसा बोलते हैं कि भीम का घराट घराट, बाकी तो मुझे पता नहीं, बट भीम का पत्थर काफी बड़ा है, काफी दूर खड़ा हुआ मैं। हाँ जी, तो उसके बाद हमें वहाँ से कोई लेने आ गया था और हम आ गए थे घर, तो यही थी हमारी भद्राज की जर्नी। तो हाँ जी, मिलते हैं इसी तरह से अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे, उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो